हेलो पीपल, व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब। और अगर आप लोग मेरे वीडियो पहले से ही देखते हैं तो थैंक यू सो मच। तो गाइज, आज सैटरडे है, बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहले डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, तो उसके लिए जाना है दोनों का। यहाँ पे फैमिली डॉक्टर किया है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप फैमिली डॉक्टर करते हो तो वो आपका फुल बॉडी चेकअप करता है, देखने के लिए क्या कमी है क्या नहीं। तो हमने अभी रिसेंट ही किया था अपना फैमिली डॉक्टर, तो उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट दिया 11:40 का अर्जुन का है और 12 PM का मेरा है। तो अभी हम लोगों को सबसे पहले वहां जाना है, उसके बाद हम लोग विंटर की थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, शॉपिंग एज इन ग्रोसरी भी करनी है, फिर उसके बाद शॉपिंग करनी है जैकेट की, जैकेट लेनी है, विंटर जैकेट और बूट से। तो ये चार काम करने हैं। टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, अभी सुबह 7 है और कल बता रहे हैं कि -2 होगा, फिर -4 होगा। ट्यूजडे एक्सपेक्टेड है कि स्नोफॉल होगी, सो फर्स्ट स्नोफॉल होगी, उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अब दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तैयार होके सीधे डॉक्टर के पास पहुंचना है, तो मैं आपको वहीं मिलती हूँ। तो यहाँ आने के बाद हमें वेट नहीं करना पड़ा क्योंकि हमारा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर, नॉट डिस्क्लोज द डॉक्टर्स नेम। तो डॉक्टर के साथ हमारा अपॉइंटमेंट था, अर्जुन लेट थे बट स्टिल क्योंकि मेरा 12 बजे का अपॉइंटमेंट था, अर्जुन का 11:40 था, तो 12 बजे क्योंकि हम पहुंच गए थे यहाँ, तो डॉक्टर ने हमें एंटरटेन कर लिया, अदरवाइज हमें फिर वेट करना पड़ता काफ़ी देर तक, लास्ट में नंबर आता। देन जब मैं आई यहाँ पे तो सबसे पहले मेरा वेट हुआ एंड हाइट वगैरह मेजर हुई एंड देन आई साइट चेक करी मेरी, एंड अभी मैं यहाँ वेट कर रही हूँ इस रूम में। अर्जुन ऑलरेडी डॉक्टर के पास है, तो लेट्स सी, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कैसा रहता है। एंड आई रियलाइज गाइज कि मैं ओवरवेट हूँ, यहाँ के मेरा वेट इतना बढ़ गया। आई हैव टू डू समथिंग ऑन माई वेट, अदरवाइज मैं बहुत ओबेस हो जाऊँगी। तो टू अवॉइड दैट मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ वॉकिंग रनिंग या कुछ शुरू कर दूँ, बिकॉज यहाँ के पहली बार वेट मेजर किया है एंड टू माई सरप्राइज बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया मैंने। तो आई हैव टू डू समथिंग ऑन इट, आई हैव टू वर्क ऑन इट नाउ। Yeah, I'm waiting. And guys, I just realized this कि toenail fungus, अभी मैं बात ही कर रही थी क्योंकि मेरी जो कज़न है किट्टू, उसको भी toenail fungus है और उसकी मेडिसिन चल रही है, और यहाँ आके मेरे भी toenail fungus हो गया है। तो I'll have to tell my doctor about this. So it says toenail fungus, don't ignore it. These are effective. There are effective prescription treatments that you can apply to the nail. Talk to your doctor. Oh my God! मेरे right पैर के टो में ये fungus है, कुछ yellow सा, और I guess that's fungal infection. I'll ask my doctor about that. So guys, doctor का appointment हो गया था, उसके बाद उन डॉक्टर ने रिकमेंडेशन मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह लिखा है एंड अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दे दी है जो भी मेडिसिन हमें चाहिए थी उसकी, एंड ब्लड टेस्ट लिखा है डॉक्टर ने, तो ब्लड टेस्ट कराएंगे। और मंडे का अपॉइंटमेंट मिला है मेरा 9:30 का, अर्जुन का 10:15 का, तो वो करा के। और मेरा वाइटामिन B12 डिफिशेंट था, तो उसकी तो मैं डोज ले ही रही हूँ, उसका इंजेक्शन मेरा चल रहा है, तो वो भी मैं लेके आई हूँ। मेरे हाथ में बहुत दर्द है एंड देन अभी क्योंकि हमारे सैटरडे को ऑब्वियसली प्लान्स होते ही हैं कि हम अर्जुन के ऑफिस के बाद निकल जाएंगे या तो ग्रोसरी करने या कुछ और शॉपिंग करने, और आज हमें इस बार हमें जैकेट्स और बूट्स भी लेने हैं क्योंकि हम यहाँ पे वेदर हो गया स्टार्ट सर्दी का, स्नो कभी भी पड़ने वाली है। तो उससे पहले हम दोनों सोच रहे हैं कि जैकेट्स और वो एटलीस्ट ले के रख लें। और अभी भी मैंने आज बहुत हैवी जैकेट पहनी हुई है क्योंकि बहुत ठंडा है बाहर। एंड अभी यहाँ पे डॉक्टर के पास आए थे, फिर ये पूरा बड़ा मॉल है, उसमें क्लिनिक भी है और सारे रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ, कुछ खा रही हूँ, ये मैंने कैप्री सैंडविच लिया है और वेनिला डिप डोनट लिया है, और वो मैं खाती हूँ। अर्जुन 4 बजे तक फ्री होंगे, अभी बज रहे हैं 2, तो मैं यहाँ पर अभी ये खाती हूँ, 2:30 बजे तक तो मैं फ्री होंगी यहाँ से, एंड देन उसके बाद अर्जुन आ जाएंगे। अर्जुन के आने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो मॉल है वो थोड़ा डिस्कवर करूँगी, देखूँगी अगर घर के लिए कुछ लेना होगा तो वो ले लूँगी। एंड यस, आई एंजॉय माय मील नाउ एंड
see you soon. तो मैंने ये अपने स्नैक्स तो खा लिए हैं. सैंडविच काफ़ी टेस्टी था, वेज सैंडविच था. अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ. अर्जुन को अभी आने में टाइम लगेगा, एक घंटा तो लगेगा ही. तो तब तक आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू. ओके गाइस, क्विक अपडेट. मैं घर आ गई थी. मैंने अर्जुन का वहाँ वेट नहीं करा, बट अब अर्जुन फ्री हो गए हैं. तो मैं घर इसलिए आ गई थी क्योंकि मैंने बताया था आपको, मैंने विटामिन B12 का इंजेक्शन लगवाया था. तो मुझे मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा 2 घंटे घूमने से अच्छा है, क्योंकि फिर अर्जुन आते तो अर्जुन के साथ भी बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता, चलना पड़ता. तो इसलिए मैं घर आ गई थी. और फिर अभी अर्जुन का फ़ोन आया कि अर्जुन निकल गए हैं. तो फिर अब मैं अर्जुन के पास पहुँच रही हूँ. और मैं इतनी पैक्ड इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्रीज हो रहा है. यस, यहाँ पे 2 डिग्री टेम्परेचर है आज, 2 डिग्री सेल्सियस. और बहुत सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है. आप देखो, विंटर्स में यहाँ आपको रोड पे बहुत बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्योंकि सर्दी इतनी होती है. देखो आप मेरे पीछे कैसा वेदर हो रहा है. बहुत ज़्यादा सर्दी है और थोड़ी सी बारिश भी हो रही है. आज सैटरडे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 2 दिन बाद बर्फ पड़ने वाली है, स्नोफॉल होने वाला है. हमारा फर्स्ट स्नोफॉल होगा. स्नोफॉल की भी अपडेट मैं आपको दूंगी. ये मेरा जो कोल्ड सोर था ये धीरे धीरे ठीक हो रहा है. अभी इसको, ये भी मैंने डॉक्टर को दिखाया था और डॉक्टर ने कुछ ऑइंटमेंट दिया है इसके लिए. तो मैं वो लगाऊंगी और होपफुली जल्दी रिकवर हो ये, क्योंकि बहुत खराब लग रहा है. और इसी वजह से ना मैं मेकअप नहीं कर पा रही, इसलिए भी मैं मेकअप वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ. क्योंकि ऑब्वियसली आपके अगर फेस पे कोई इस तरह का कोई सोर है तो फिर आपको मेकअप नहीं करना चाहिए उस पर, क्योंकि उस पर फाउंडेशन और बाकी क्रीम्स अगर आप लगाओगे, मेकअप अपना अप्लाई करोगे तो वो वर्स हो सकता है. तो इसलिए मैं अभी मेकअप अवॉइड कर रही हूँ, सिर्फ लिपस्टिक लगा रही हूँ और वो उस कॉर्नर को छोड़ के. एंड यस, जब मेरा ठीक होता है फिर उसके बाद मैं वापस से मेकअप वीडियो शूट करना शुरू करूंगी. तब तक आप यहाँ के कनाडा के वेदर का मजा लो और कनाडा की जो भी वीडियोस डाल रही हूँ उन्हें एंजॉय करो. सो गाइज, अब मैं पहुंच रही हूँ अर्जुन के पास बस 2 मिनट्स में. और अर्जुन भी फ्री हो गए हैं. वहाँ पे अर्जुन ने कुछ स्नैक्स वगैरह खा लिए हैं. मुझे सांस भी नहीं आ रहा है, ऐसा मौसम बुरा है. यहाँ पे बारिश पड़नी शुरू हो गई है. बट देन वॉट रीच, आई हैव माय टी विद मी. आई एम विद अर्जुन नाउ. तो मैं अर्जुन को मिल गई थी और अब हम लोग करते हैं थोड़ी सी शॉपिंग, क्योंकि भाई अपडेट एक और. यहाँ तो जैसे क्रिकेट रंग नहीं बदलता, उसी तरीके से मौसम रंग बदल रहा है. तो अभी अपडेट है, टेम्परेचर इज गोइंग टू बी -2 टुमारो. तो अगर बारिश हुई तो ऑब्वियसली स्नोफॉल होगा, बट लेट्स सी. अभी तक स्नोफॉल की कोई इंडिकेशन नहीं है, बट इट्स बीइंग एक्सपेक्टेड कि माइनस में जाएगा टेम्परेचर. सो वेरी फर्स्ट डे ऑफ -2 हियर. तो यहाँ पता है क्या प्रॉब्लम है, अब जैसे मैं बाहर थी तो मैंने जैकेट वगैरह अच्छे से डाली थी, कैप भी डाला हुआ था. अब अंदर हर जगह, आप किसी भी मॉल चले जाओ, किसी भी लोकेशन चले जाओ, आप घर में चले जाओ या फिर वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पे चले जाओ या मॉल्स और शॉपिंग आउटलेट्स चले जाओ, वहाँ पे अंदर टेम्परेचर बहुत वार्म किया हुआ होता है. तो बाहर अगर स्नो भी पड़ रही हो, कितना भी माइनस में टेम्परेचर हो, बट अंदर सबके हीटर्स ऑन होते हैं, ब्लोअर्स ऑन होते हैं. इसलिए अभी यहाँ पे आगे मुझे जैकेट डालनी पड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा घुटन सी हो जाती है अगर आप इतनी मोटी जैकेट पहन के रखो तो. तो इसलिए मैंने अपनी जैकेट उतार ली है और अभी हम लोग जो सामान लेने आए हैं, जो जैकेट्स और शूज़, वो लेते हैं. ओके, सी यू. अच्छा, वो मैं वापस आ गई थी अर्जुन घर, क्योंकि फिर
मेरे को थकान हो जाती है अगर। और फिर मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा था इंजेक्शन के बाद। नहीं अब नहीं हो रहा, अब ठीक हो गया। सोली थी ना एक घंटा। लुकिंग फॉर जैकेट्स। हाँ एक बार मूवमेंट करके देखो ना हाथ पैर, ऐसे बहुत ज़्यादा स्टिफ ना हो रही हो बॉडी इसमें। पेट से भी कंफर्टेबल है? हाँ ओके। और अच्छी भी लग रही है ब्लैक कलर ना। कौन सी कौन सी? ग्रीन वाली। ठीक भी लग रही है? बढ़िया लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ तो बात बनी नहीं, अब चलते हैं ऑल्डो। वो बोल रही थी कि फ्लू का इंजेक्शन आने वाला, आपको अगर फ्लू का इंजेक्शन लगवाना तो फ्लू का इंजेक्शन लगवा लो। और एक उसका भी था टिटनेस का कि अगर आपने 10 सालों में इंजेक्शन नहीं लगवाया तो ये आपको लगवाना पड़ेगा, मतलब ये ज़रूरी है। तो उसने बोला कि आपके हस्बैंड कह रहे थे कि जब आप यहाँ आ रहे थे तो आपको मेडिकल होगा तो टिटनेस का इंजेक्शन लग गया था। तो मैंने उसको बोला कि कोई टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगा था, वो सिर्फ ब्लड वर्क हुआ था हमारा और हमारा चेस्ट का एक्सरे वगैरह जो सब होता है। फिर पता है क्या, मैंने उनको बता दिया डॉक्टर को कि आप ना अगर कोई ब्लड वर्क या कोई सिरिंज वाला हो तो बता देना उन्हें, अर्जुन को फोबिया है सिरिंज से। हाँ मैंने बता दिया, तुम्हें डर लगता है, तुम ब्लड वर्क कराने कब जाते हो अपना? तुम्हें सुई से ऐसे नहीं होता डर, मतलब कि तुम अवॉइड करते हो कि ये सुई वाला काम ना हो? तो सुई की वजह से थोड़ी है, खराब रिजल्ट की वजह से है कि उससे दिमाग खराब होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें सुई की वजह से है, हमेशा सुई की वजह से। एक्सेप्ट करो इस बात को, कैमरा पे एक्सेप्ट करो इस बात को। ये कौन सी बात है, झूठ बोल रहे हो तुम? वहाँ पे मम्मी पापा सबको पता है तुम कैसे अवॉइड करते हो। तो आप लोगों ने सुन लिया, अर्जुन को बहुत डर लगता है सुई से, सिरिंज से, इंजेक्शन से, सिरिंज से, इसलिए अर्जुन अपना ब्लड वर्क कराने नहीं जाते आज भी। वैसे अर्जुन को खुद लेट होना था ऑफिस के लिए तो कोई बात नहीं आज, क्योंकि खुद लेट निकले, 11:40 का हमारा अपॉइंटमेंट था। तो कहते मुझे ऑफिस जाना है, 12 बजे के मेरा ऑफिस है। मैंने कहा चाहे पूरा दिन लग जाए, आज तो पहले डॉक्टर से मिल के जाएंगे। कुछ कहना चाहो? बस हंस देते हो। यहाँ ये बड़ी समस्या है कि आप सैटरडे को लेट फ्री होते हो और सैटरडे को मॉल जल्दी बंद हो जाते हैं, तो यहाँ सब बंद हो चुका है, अब हमें कल ही आना पड़ेगा। हाँ अर्जुन, अभी जैकेट्स और शूज़ हम फिर से नहीं ले पाए आज, बट अब हम कल कोशिश करेंगे संडे को हम जल्दी निकले घर से, क्योंकि आज तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी था इसलिए हमें लेट हो गया। एंड अभी हम थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं, थोड़ी सी ग्रोसरी करने जाएंगे वॉलमार्ट। और यस सी यू एट वॉलमार्ट।